जोधपुर नगर निगम द्वारा अवैध रूप से सड़क के ऊपर किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाए गए। वहीं अतिक्रमण प्रभारी आशीष चावड़िया के नेतृत्व में आज भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जिनमें निगम में कई कर्मचारी भी मौजूद थे। सेनापति भवन के MBM कॉलेज की दीवार के पास अवैध रूप से लगे हाथ ठेले, कैबिन, फूड काउंटर, चाय के काउंटर आदि को फुटपाथ से हटाया गया, जिसमें कैबिन 3, फूड काउंटर 8, हाथ ठेले 2 एवं अन्य सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई है और उक्त सामान नगर निगम के मुख्यालय के पीछे जमा करवा दिया गया है। जोधपुर में 13 मई को मारवाड़ राजपूत सभा के 15 मई को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले चुनाव के लिए बेहतर प्रबंधन किए जा रहे हैं। मतदान स्वास्थ्य के लिए 16 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर बाग सिंह राव ने बताया कि मतदान के लिए 16 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव व्यवस्था के सुचारू प्रबंधन के लिए 16 मतदान दल व्यवस्था में रहेंगे व 2 दल रिजर्व टीम में रहेंगे। यहां रहेंगे मतदान केंद्र मारवाड़ राजपूत सभा परिसर सभागार में 7 मतदान केंद्र, पुस्तकालय भवन में 4 व आवासीय कक्षों में 5 मतदान कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। मतदान व्यवस्थाओं में इनकी रहेगी महती जिम्मेदारी। मतदान व्यवस्था में बेहतर प्रबंधन के लिए रिटर्निंग अफसर बाग सिंह राव, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सैतान सिंह राज पुरोहित, चुनाव ऑब्जर्वर कल्याण सिंह राठौड़ व फारूक अहमद के साथ ही संपत सिंह भाटी, सुमेर सिंह व्यवस्था देख रहे हैं। मतदान के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मतदान के दिन मतदाता को अपनी पहचान के लिए मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा जारी पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। कल 15 तारीख को मतदान है। इसमें इस मतदान भवन में 16 केंद्र बनाए गए हैं और मारवाड़ राजपूत सभा के 6,700 वोटर अपना मतदान करेंगे। 16 और 17 तारीख को काउंटिंग है और अभी उम्मीदवारों की और उनके प्रतिनिधियों की मीटिंग कॉल की गई है। उसमें मतदान प्रक्रिया, मतगणना प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता संबंधी सारी बातें इनको समझाई गई है और इसीलिए युवा कांग्रेस के शुक्रवार को घोषित हुए परिणाम के बाद युवा कांग्रेस जोधपुर देहात एवं शहर के समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी युवा कांग्रेस जोधपुर, पुनीत जांगू जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी एवं प्रभारी युवा कांग्रेस जोधपुर, रामनिवास बुद्धनगर पूर्व जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस जोधपुर देहात, नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों एवं विधानसभा अध्यक्षों के साथ सर्किट हाउस जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब हुए। पुनीत जांगू ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव का परिणाम जारी हो चुका है। सभी जिला एवं विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश स्तर पर टॉप 3 का साक्षात्कार द्वारा निर्णय लेंगे। पुनीत जांगू ने पूर्व कार्यकारिणी को धन्यवाद देते हुए नव निर्वाचित कार्यकारिणी का स्वागत कर संगठन हित में कार्य करने के निर्देश दिए। जो भी कांग्रेस सरकार ने, CM साहब ने योजना निकाली है, उनको ग्राउंड स्तर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़कर प्रत्येक घर तक पहुंचाने का हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, ताकि इससे सरकार की जो भी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जा सके और उनका अधिक से अधिक लाभ दिलाकर कांग्रेस सरकार को 2023 में रिपीट करने के लिए उन योजनाओं को बुनाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। के अंदर 25 की कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष की 25 की कार्यकारिणी है और वही विधानसभा में 25 की कार्यकारिणी है, तो लगभग जोधपुर शहर के अंदर 25 की कार्यकारिणी फुल हो गई है, क्योंकि 18 लोगों ने तो जिले में फार्म भरे थे और कुछ लोग जो प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे वो प्रदेश में महासचिव या सचिव के लिए एलिजिबल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मत प्राप्त किए तो जिले में महासचिव या सचिव के पद पे आ गए हैं। तो जिले की कार्यकारिणी जोधपुर देहात की 25 की कार्यकारिणी कंप्लीट हो चुकी है और सिटी की लगभग आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि शहर से प्रदेश में भी कम लड़ रहे थे, शहर के अंदर भी कम फार्म भरे गए थे, इसलिए उसमें थोड़ा कम रहा है। बाकी जोधपुर देहात की पूरी कार्यकारिणी है वो कंप्लीट हो चुकी है। कार्यकारिणी निर्वाचित ही होती है जो चुनाव प्रदेश निर्वाचन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मत देकर विजय बनाया और मैं निर्वाचित हुआ हूँ। तो हम कांग्रेस के जो हमारे सीनियर लीडर्स हमें जिस तरह से
निर्देश देंगे और युवा कांग्रेस से हमें जो निर्देश मिलेंगे उस अनुरूप हम काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जो हम हरावल दस्ता है कांग्रेस का हरावल दस्ते के रूप में काम करके विजय बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता था कि यूथ कांग्रेस के चुनाव जनवरी से शुरू हुए थे जो परसों 9 तारीख को उसका परिणाम घोषित हुआ है और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला और विधानसभा अध्यक्षों की घोषणा हुई है और प्रदेश अध्यक्ष में जो टॉप 3 रहे हैं उनको डेलीगेट बनाया गया और जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी विधानसभा कार्यकारिणी की घोषणा यूथ कांग्रेस की वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। आप सब लोगों के सामने आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जो पूर्व में निर्वाचित जिला अध्यक्ष थे और यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो अब नए आए हुए जो पदाधिकारी है उनको यहाँ आज आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपसे उनका परिचय कराएंगे और जो हम लोगों ने कार्य किया है वो इन लोगों को बताते हुए इनका स्वतः ही हमारी जगह इनका पद पे ये आ गए हैं और इनको ये जो पद क्रिया है वो यहाँ से शुरू हो गई है। तो आज हम लोग आपको जो हमारे शहर के अध्यक्ष हैं और जिद्दयात के अध्यक्ष हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जिला कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो आपके सामने उपस्थित हुए हैं और यूथ कांग्रेस के आगामी जो भी जो चुनावी वर्ष है उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किस रूप से काम करेंगे उस बारे में रणनीति आगे तैयार की जाएगी। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा मदर्स डे के अवसर पर जोधपुर के महामंदिर स्थित जोधाना वृद्धाश्रम में माताओं के सम्मान का विशेष कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर के पुलिस उपायुक्त अमृता दुहन के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया जहां बुजुर्गों को भोजन भी कराया गया। सत्यमेव जयते परिवार की टीम को अपने बीच पाकर बुजुर्गों के चेहरे भी खिल उठे। माता स्पेशली माँ वो जो भी डिसीजन अपने जीवन में लेती है अपने बच्चों को सोच के लेती है। मेरे ख्याल से मैं जो कह रही हूँ सबसे आप उससे आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं किंतु वो ना समझी रहती है बच्चों की कि उसे अपनी भलाई में समझ नहीं पाती लेकिन कभी ना कभी उनको समझ में जरूर आएगी इसी जीवन काल में समझ में आएगी। इस मौके पर मेरा यहाँ पर आना आप सबसे आशीर्वाद लेना मैं मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है। श्री माहेश्वरी समाज के वंशोक्ति दिवस महेश नवमी महोत्सव का आगाज दिनांक 14 मई 2023 को माहेश्वरी मैराथन रन फॉर यूनिटी के साथ प्रारंभ हुआ। समाज के मीडिया प्रवक्ता मनीष बागड़ी ने बताया कि यह मैराथन संत रामप्रसाद अंचला नंदगिरी महाराज नंदकिशोर शाह मंत्री माहेश्वरी समाज राधेश्याम डागा उपमंत्री ओम प्रकाश मनिहार कोषाध्यक्ष महोत्सव संयोजक विनीत राठी और महोत्सव कोषाध्यक्ष राजेश राठी के सानिध्य में प्रातः 6:30 बजे रवाना हुई। भव्य माहेश्वरी क्लब के अध्यक्ष प्रहलाद राठी ने मैराथन प्रमुख कैलाश राठी एवं समन्वयक मुकेश राठी को बनाया है। यह मैराथन द्वारकाधीश वाटिका शिवाजी गेट से रवाना होकर शहर के भीतरी भाग खांडा फलसा आड़ा बाजार सोजती गेट राता नाड़ा पहुंचकर समाप्त हुई। तत्पश्चात वहीं पर हाउजी गेम व लकी ड्रॉ का आयोजन रखा गया जिसके कूपन मैराथन मार्ग में दिए गए। भव्य माहेश्वरी क्लब के कोषाध्यक्ष रौनक टवानी सचिव यश सोनी संस्थापक सुभाष धुत श्रावण बिरला केशव धुत विपल बिरला मनीष राठी व क्लब के सभी सदस्यों का सहयोग रहा। शोभा यात्रा प्रभारी अरुण बंग ने बताया रातानाड़ा माहेश्वरी भवन में प्री मेडिकल जांच व आधार कार्ड सेवा कैंप का आयोजन भी रखा गया। आज महेश नवमी के उत्सव में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं जो 1 तारीख तक चलेंगे और समाज का बहुत अच्छा सहयोग है। कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह से शुरू हो गया। जय महेश। जय महेश। अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति समिति की ओर से एक दिवसीय सम्मेलन रविवार को डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में हुआ।
ब्रह्मधाम आशुतरा के वेदांत आचार्य डॉक्टर ध्यानाराम महाराज की सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में समाज में महिलाओं में उत्थान, बालिका शिक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर, पाली, बीकानेर सहित कई जिलों से महिला शक्ति टीम की महिलाएं पहुंची और मंच पर अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम में विवाह योग्य युवक युवती पारिवारिक परिचय सम्मेलन भी हुआ। इसमें युवाओं ने अपना परिचय दिया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाना और उन्हें नई पहचान दिलाने सहित शिक्षा, रोजगार सहित आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दों पर चर्चा की गई। आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए, क्या खास कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति समिति से मैं हूँ राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया राजपुरोहित, तोलियासर से, बीकानेर जिले से। और समाज में नया परिवर्तन हो, समय के साथ चलें और समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो कुरूतियां हैं, उनसे हम लड़ें। और इसके लिए ये जो संगठन बना है तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनने जा रहा है। नारी शक्ति जो एक एक करके जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें क्या खास किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और कितनी महिलाएं इसमें? महिलाएं तो संख्या तो कुछ मैं बता नहीं सकती, पर बहुत ये जो पंचामृत योजना लेकर के आए हैं वो समाज के सामने रख रहे हैं। जैसे कि कन्या का जो जन्म से ही मान और सम्मान हम करें तो नारी का मान सम्मान होगा, कन्या की माता का मान सम्मान करें। और इसके साथ में हमारे समाज में जो युवक युवती परिचय सम्मेलन एक जरूरी हो गया, क्योंकि पसंद के बिना जो शादी होती है उस शादी में दिक्कत होती है। लड़की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, लड़का भी संस्कारी है, सब कुछ है, पर एक बेमेल की जो शादी हो जाती है तो उस वजह से कितनी परेशानी बाद में उठानी पड़ती है। तो इससे पहले से ही हम ऐसा परिचय सम्मेलन करके अगर विवाह करें बच्चों के पसंद के हिसाब से तो वो शादी लंबे समय तक चलेगी और परिवार में खुशियां भी रहेगी। जोधपुर में महान समाज सुधारक व आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती व जोधपुर आगमन के 140 वर्ष पूर्ण होने पर शहर में 26, 27 व 28 मई को रेलवे डी के 6 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन के लिए महिला संगठनों की विशेष बैठक हुई। हाईकोर्ट कॉलोनी, सेनापति भवन क्षेत्र स्थित करमवीर राम सिंह आर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शहर विधायक मनीषा पवार की अध्यक्षता में आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्य वेश की देखरेख में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन जोधपुर की धरती पर किया जा रहा है। मिशन आर्यवृत के संयोजक आर्य युवक परिषद हरियाणा के प्रधान व युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश को इस सम्मेलन का संयोजक बनाया गया। सभी कार्यक्रम उनके देखरेख में होंगे। सम्मेलन में देश के साथ साथ देश से भी बड़ी संख्या में आर्य सन्यासी व गुरुकुल के शिष्य शिरकत करेंगे। आर्य वीरंगना दल की अध्यक्ष लीला भाटी ने कहा कि आर्य सम्मेलन में शहर के हर क्षेत्र के महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भागीदारी होगी। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की अलग अलग टीमें हर गली मोहल्ले में घर घर जाकर पीले चावल बांटकर सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। इसके लिए भीतरी क्षेत्र भगत की कोठी, नव दुर्गा कॉलोनी, रातानाड़ा एयरफोर्स सहित अन्य क्षेत्रों से बैठक में शामिल हुई महिलाओं व युवतियों को अलग अलग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत में खुश होकर जोधपुर में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष नरेश जोशी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी जताई। राजस्थान सरकार की जनहितकारी योजनाओं को कर्नाटक में 5 मुख्य मुद्दों में शामिल किया गया था, जिस पर कर्नाटक की जनता ने मुहर लगाकर पार्टी को सत्ता दिलाई। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरा बड़ा राज्य है जहां अशोक गहलोत की मुख्य नीतियों को वहां की जनता ने स्वीकार किया है। कर्नाटक में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण भी यहां के कार्यकर्ता जोश से लेबरेज थे। पार्टी में छोटे मोटे मतभेदों को भारत जोड़ो यात्रा ने खत्म करने का काम किया था, जिसका फायदा
इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला और प्रचंड बहुमत के साथ साथ हाथ लगी। जिला प्रवक्ता डॉक्टर भाकर राम विश्नोई ने बताया कि इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी दक्षिण के अध्यक्ष आदरणीय नरेश जोशी, जनाब सलीम खान अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उत्तर, ओमकार वर्मा संगठन महासचिव, कुश गहलोत संगठन महासचिव, राजेंद्र सिंह सोलंकी राज्य मंत्री, मनीषा पवार सहित कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, 137 सीटें मिली है लगभग। ये अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों के ऊपर कर्नाटक की जनता की मोहर है। कर्नाटक का जो घोषणा पत्र बना था, उस घोषणा पत्र के अंदर राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां थी, उन नीतियों को मुख्य रूप से शामिल किया गया। और घोषणा पत्र में जो 5 मुख्य बिंदु जो राज्य सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो लागू कर दी जाएगी, वो राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी लागू कर रखी है। हिमाचल के बाद कर्नाटक दूसरा स्टेट है जिसने अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों को अपनाते हुए चुनाव में गए थे, और वहाँ की जनता ने उन नीतियों के ऊपर मोहर लगाकर अशोक गहलोत साहब के जनहितैषी नेता होने का परिचय दिया है। कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से चुनाव को धर्म की विचारधारा में परिवर्तन करने का मौका या प्रयास बीजेपी ने किया, उसको वहाँ की जनता ने नकार दिया। जैसे चुनाव के अंदर उन्होंने बजरंग बली का मुद्दा उठाया, लेकिन बजरंग बली और अली दोनों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत दिला दिया कि 40% घुसखोर बीजेपी सरकार को धरती दिखा दी। आज आपने क्या किया ये बताओ? आज हम सुभाष चौक चौराहे पर हमारे स्थानीय पार्षद ललित गहलोत की अगुवाई में DCC के निर्देश पर पटाखे फोड़े, आसमान के अंदर तिरंगे गुब्बारे छोड़े, और कर्नाटक के अंदर जो प्रचंड बहुमत मिला है उस बहुमत की खुशी मनाई और भगवान से ये दुआ करी कि आज से ठीक 8 महीने बाद राजस्थान में चुनाव है और अशोक गहलोत हमारे राजस्थान के चौथी बार मुख्यमंत्री बने।